Hallelujah, 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 hallelujah. आप सारों प्यार भरी जय मसीह दी ओल नेशन चर्च के इस प्रोग्राम विच असीं तुहानू सारयां नू वेलकम करते हैं जी आए आखदे स्वागत करते हैं तो थोड़ा सारयां दा असीं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि तुसीं अपना कीमती टाइम कढ़ के इस प्रोग्राम नू देख रहे हैं। अज परमेश्वर थानू बहुत बड़िया बड़िया बरकतां देण वास्ते जा रहा आ क्योंकि तुसीं साडे नाल रल के प्रभु की वर्शिप करनी है उहदे नाम नू वडियाई करनी उहदे नाम नू उच्चा करना आ। सो आओ सारे रल के इस प्रोग्राम दे विच सांझी बणीए जिहड़े हाले तक नहीं घरां दे विच तुसीं जाणदे आ कि चेता जां किसी चेता भुल गया होगा ये प्रोग्राम देखने का तुम हाले भी उन्होंने टाइम टैलीफोन करके इस प्रोग्राम बारे दस सकते हैं चेता करा सकते हैं ता कि वह भी इस प्रोग्राम का आनंद मानन। सो आप सारे ने रल के घर इतने स्टूडियो रल के सारे ने अपना प्रभु की वड्याई करनी आ हिस्सा लेना आ और प्रभु के नाम को उच्चा करना आ। सो अज के प्रोग्राम तुम खास करके देखना आ क्योंकि शुरू तो लैके अखीर तक ये प्रोग्राम जोड़ा थोड़ी जिंदगी बदलन वाला आ। सो साडे कोल पास्टर आइज़क मसीह मट्टू जी आ गए आ उन्होंने अखीर दे उत्ते तुहाडे सारयां लई जिन्हें बीमार आ जिन्हें दुष्ट आत्मा दे जकड़े हुए सारयां लई अरदासां बेनतियां करनियां आ ते तुसीं भरोसा करना यकीन करना आ कि ये जदों अरदासां करनियां तुहाडे लई करनियां आ ते तुसीं उन्हां नूं रिसीव करना तुसीं यही कहना आ अपने मूँह चों ये अरदास मेरी लई आ तो तुहाडे लई उदां ही हो जाणा जिद्दां तुसीं दिल दे विच धारिया आ। सो आओ आपां इस प्रोग्राम दे नाल प्रोग्राम गीत दे नाल आपां प्रभु नूं प्रोग्राम नूं अगे वधाउने आ। हालेलुया मेरा रोम रोम लैंदा तेरा नाँ येसु जी हर थां प्रभु दे नाम नूं उच्चा करन लई आपां तुरदे फिरदे उठदे बहिंदे इसे तरह गाउंदे रहिए। हालेलुया हालेलुया तेरा नाम येसु जी हर थां दिसदा मेरा रोम रोम लैंदा तेरा नाम येसु जी हर थां मैनू तां हुण तू दिसदा मेरे बाकी सिद्धे जदों दे गुना तू मेरी है पना जा फिर तेरा मूह दिसदा तेरा नाम येसु जी हर थां मैनू तां हुण तू दिसदा दिल मेरा खुशी विच फुला ना समाउंदा ए दिल मेरा खुशी विच फुला ना समाउंदा ए नाच नाच लुडियां भी पाउंदा मेरा रोम रोम लैंदा तेरा नाम येसु जी हर थां मैनू तां हुण तू दिसदा मेरा रोम रोम लैंदा तेरा नाम ਹੁਣ ਤੂੰ ਦਿਸਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਰੱਚ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ रोम लैंदा तेरा नाम येसु जी हर थां मैनू तां हुण तू दिसदा मेरा रोम रोम लैंदा तेरा नाम येसु जी हर
रखदा है सांभ सांभ मैनू हर वेले तू जे कदे ते चुक लैंदा उस वेले तू मेरा रोम रोम लैंदा तेरा नाम यीशु जी हरे थां मैनू ता हुण तू दिसदा मेरा रोम रोम लैंदा तेरा नाम मैनू ता हुण तू दिसदा मेरे बाकी ते जदों दे गुना तू मेरी है पना जा फेरे तेरा मुँह दिसदा मेरा रोम रोम लैंदा तेरा नाम जे सूझे हारे था मैनू ता हुण तू दिसदा हालेलुया Thank you, Lord, be praised to Jesus. Hallelujah. Jadon kadde vi zaban tera naam lendi ਨਾਮ ਲੈਂਦੀ ਏ ਯੇਸੂ 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 ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਯੇਸੂ 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 ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਯੇਸੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਯੇਸੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਯੇਸੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਹਾਲੇਲੂਯਾ ਯੇਸੂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਜਾਮਾ
यीशु मेरी जान कहंदी है, यीशु 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 मेरी जान कहंदी है, हालेलुया यीशु मेरी जान कहंदी है, हालेलुया यीशु मेरी जान कहंदी है। यीशु मेरी जान कहंदी है, हालेलुया यीशु मेरी जान कहंदी है। जदों कदे भी जवान तेरा नाम लेंदी है, नाम लेंदी है, यीशु 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 मेरी जान कहंदी है, यीशु 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 मेरी जान कहंदी है, हालेलुया यीशु मेरी जान कहंदी, हालेलुया यीशु मेरी जान कहंदी है, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, वी प्राइज यू जीसस, हालेलुया। ओ प्राइज यू, प्राइज यू, प्राइज यू। प्रभु यीशु मसीह ने आख्या जिंदगी दी रोटी मैं हाँ, जिंदगी दा पानी मैं हाँ, जे कोई प्यासा तो मेरे को आवे, मैं उहदियां अंदरों पवित्र जल दियां नदियां बहावांगा, जे कोई भुखा तो मेरे को आवे, मैं उन्हों रजावगा। सो भैनों भरावो, अज लोड़ आ कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास चलीए। जीवन की रोटी, जिंदगी की रोटी, वह अपने शरीर की रोटी की गल नहीं कर रहा, जिहड़ा अपने अंदर आत्मा भुखा आ यीशु मसीह के प्यार दा, उस आत्मा की वह गल कर रहा, उहदी रोटी की वह गल कर रहा, जिहड़ा अपने अंदर वसदा आ, वह जे प्यासा तो उहदे कोल लै आओ तो वह थोड़ी प्यास बुझावेगा। उसने आख्या मेरे पास आओ और मैं थोड़ी प्यास नूं बुझावगा, मेरे पास आओ मैं थोड़ी भुख नूं मिटावगा, थोड़े अंदरों पवित्र जल दियां नदियां वगणगियां, सोमे वगणगे, हालेलुया। सो लोड़ आ अज आपां नूं प्रभु यीशु मसीह दे पास जाण दी। आओ रल के इस गीत नाल प्रभु दी बड़ाई करिए। भुखा ना रहेगा, मैनू पीण वाला कदे
निराशा ना रहेगा। शुद्ध मैं करांगा साब मेरे कोले दिता सारे जागी ते गुना दा हिसाब है हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। यीशु आने वाला सारे कर लो तैयारियां मेरे भैनों भरावो। यीशु मसीह बहुत छेती बदलों पर आ रहा आ। जिहड़े उहदे चुने हुए आ, जिहड़े उहनू प्यार करदे आ, जिन्हां ने उहनू मुक्तिदाता कबूल किया, उहनां नू अख दे इशारे नाल बदलों विच उठा लवेगा। उस टाइम पर जदों बदलों पर आना आ, ये बहुत इंपोर्टेंट गल है कि हर एक अख ने इक्के वारी उहनू देखना बदलों के उत्ते, चाहे कोई अमेरिका च रहिंदा, चाहे कोई कनेडा च रहिंदा, चाहे चाइना च, चाहे साउथ अफ्रीका च, इक्को अख दे नाल हर एक उहनू देखेगा। सो आओ अज आपां प्रभु दे पास चलीए ते आपां गीत गाने आ।
ਯਿਸੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀਆਂ ਯਿਸੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀਆਂ ਯਿਸੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀਆਂ ਯਿਸੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰ ਜਾਨ ਦੇਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਉਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀਆਂ ਯਿਸੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਜਦ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਗਾਵਾਂਗੇ ਹੋਣ ਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰੀਆਂ ਯਿਸੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀਆਂ ਯਿਸੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਸਾਰੇ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਭਰੇਗਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖੀ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀਆਂ ਯਿਸੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀਆਂ ਯਿਸੂ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀਆਂ ਯਿਸੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਓ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ
ब्रेक तो बाद आप सारिआं दा असीं एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ कि तुसीं इस प्रोग्राम नूं बहुत प्यार करते हाँ। परमेश्वर ने आपां नूं एक और मौका दिता आ कि आपां उहदी वर्शिप कर सकते हाँ, उहदी बाणी दे विच्चों पवित्र बाइबल दे विच्चों आपां सीख सकते हाँ। सिखालना आपां नूं पवित्र आत्मा जी ने आ, पर अपने को पास्टर आइज़क मसीह मट्टू जी आ गए आ ते आपां इन्हां दे राहीं सीखना आ। सो अज देखते हाँ आपां नूं अज ये की सिखाउणा चाहुंदे पवित्र बाइबल दे विच्चों। हाँ जी पास्टर जी, तुसीं अज की सिखाउणा चाहुंदे हो सानूं जी? सब तो पहले तो मैं तुहाडा बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। थैंक यू पास्टर जी। उस परमेश्वर की महिमा ते वडियाई करदा जिन्होंने तुहानूं बहुत सारी बरकत दी, तुहानूं इस्तेमाल कर रहा। थैंक यू। बहुत सारे अच्छे अच्छे भजन तुसीं गाए हैं और जिन्हें भी भैन भरा इस वक्त सुन रहे देख रहे हैं उन्हें सबना ले भी मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करदा। उस परमेश्वर की दया आ कि उन्हें अज सबनों कट्ठे किया ये वचन सुन का ये भजन गीत सुन का yes. नाल गाउण का मौका दिता है। वो परमेश्वर की वडियाई आ yes, परमेश्वर की दया आ कि जिन्होंने परमेश्वर ने इस परिवार को चुनिया होया जो हर हफ्ते आके प्रभु की सेवा तुहाडे सामने करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। अज का वचन आ जो सब दे वास्ते मिलिया आ वो प्रभु का वचन पवित्र बाइबल दे विच्चों वो हैगा मती दी अंजील उसका 24 बाब दे विच्चों। गुरमुख जी साथ साथ पढ़ते जाएंगे तो मैं ये रिक्वेस्ट करदा कि आप ध्यान दे नाल सुनिए। एक किसी नूं ठेस पहुँचाउण लई या किसी नूं परेशान करन लई नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन आ लोगों नूं जीवन देण वास्ते आ। लोगों के पाप जिहड़े आ, लोगों दी गलतियां जिहड़ियां, लोगों दी कमजोरियां जिहड़ियां वह जाहर करन वास्ते आ क्योंकि परमेश्वर प्यार दा परमेश्वर आ। वो सब नूं प्यार करदा आ yes. हर एक नूं कोई धरती दे उपर इहो जिहा नहीं जिहनूं उहने प्यार नहीं कीता। इसलिए परमेश्वर दा वचन कहिंदा कि उहने सारी दुनिया नूं इन्ना प्यार कीता ते इसलिए उहदी इह पवित्र बाणी जिहड़ी आ उह सभनां दे वास्ते आ, मेरे लई वी आ तुहाडे लई वी आ। तो प्लीज़ आप मेहरबानी करके ध्यान दे नाल ते गौर दे नाल सुनिए क्योंकि जीवन एक पानी दे बुलबुले दी तरह आ, अज है कल नहीं हुण दीदा आ कड़ी नूं छिप जाना आ, इहदा कोई पता नहीं। तो इसलिए इस तो पहलों कि वह पानी दे बुलबुले दी तरह फट जाए, इस तो पहलों कि वह पाप की तरह मिट जाए, सानूं उन्ना चिर ही जीवदे जी जिन्ना चिर साह चलदा आ अपने जीवन का फैसला करना आ। प्रभु तुहाडे साथ होवे। पवित्र बाइबल दे विच्चों सुनिए कि ये आखिरी दिनों के बारे जो इन्होंने आखिरी भजन गाया है कि कर लो तैयारियां, प्रभु यस्सू आउण वाला है। यस हालेलुया। कर लो तैयारियां, ये भजन दे विच तुहानू एक शिक्षा दिती गई है। एक भजन जे असीं भजन समझ के गान सुन लिया भी कन्नां नूं सोहणा लगा, हाँ भी बड़े अच्छे बोल शब्द सी और उहदे बारे कीता कुछ नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा। इसलिए मेरे अजीज भैनों ते भराओ वचनां दे विच भी शब्दां दे विच भी एक प्रचार आ, एक शिक्षा आ, एक तालीम आ। आइए वचन नूं सुणीए कि किहो जिहे दिन आ रहे आ और वो दिन बड़े खतरनाक आ रहे जिन्हां दिनां दे विच हुण भी आपां रह रहे जदों अगे दिन आ रहे आ वो सब तो ज़्यादा खतरनाक आ रहे। ध्यान दे नाल सुणीए पवित्र बाइबल विच इस तरह लिखा है, पर जिस तरह नूह दे दिन सन मनुख दे पुत्तर दा आउणा उसे तरह होवेगा, क्योंकि जिस तरह परलो तो अगे दे दिनां विच लोग खांदे पींदे ब्याह करदे अते कराउंदे सन उस दिन तीकर के नूह किश्ती उत्ते चढ़िया अते उह नहीं जाणदे सन जद ताईं परलो ना आई अते सभनां नूं रुड़ा के लै ना गई। इसे तरह मनुख दे पुत्तर दा आउणा होवेगा, जद दो जने खेत विच होणगे एक लै लिया जाएगा अते एक छड्या जाएगा, दो तीमियां चक्की पींदियां होणगियां एक लै ली जाएगी अते एक छड्डी जाएगी। सो जागदे रहो क्योंकि तुसीं नहीं जाणदे जो तुहाडा प्रभु किहड़े दिन आउंदा है। पर यह जाणो कि जे घर दे मालक नूं खबर हुंदी भई चोर किस पैर आवेगा तां उह जागदा रहिंदा अते अपने घर सन लगन ना दिंदा। इस लई तुसी भी तैयार रहो क्योंकि जिस घड़ी तुहानू चेता ना होवे उसे घड़ी मनुख दा पुत्र आ जावेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर दी बाणी आ, इस बाणी नू कोई रद्द नहीं कर सकदा, कोई नहीं कह सकदा जां मैं नहीं मानदा, मनना या ना मनना ये तुहाडी अपनी चॉइस आ।
ये तुहाडी अपनी मर्जी आ, लेकिन परमेश्वर अपना वचन सब नू दिंदा आ। जिदा वह सब नू प्यार करदा आ, अपना वचन भी हर एक नू सुनन दा मौका दिंदा आ। ये पवित्र बाइबल जो परमेश्वर का वचन आ, ये धर्म परिवर्तन की गल हुंदी जरूर आ, पर धर्म परिवर्तन नहीं हुंदा, परमेश्वर इंसान के जीवन नू बदलदा आ। आमीन। क्योंकि इंसान का जीवन जिहड़ा आ वह गुनाह दे विच आ, वह पाप दे विच आ, और पाप सब तो ज़्यादा खतरनाक आ। जो पवित्र बाइबल दस रही आ कि पाप की सज़ा मौत आ, और मौत जो पाप च मर जाता बंदा वह कित्थे जाता, वह दोजख दे विच चला जाता, नरक की अग में चला जाता, वह स्वर्ग किसी तरह पहुँच नहीं सकता क्योंकि गुनाह वो अंदर आ। पर मेरे अजीजो, परमेश्वर उस पाप चो सानू कढ़ना चाहुंदा है। इत्थे नूह दा जिक्र किया गया, नूह दे बारे दस्या गया। नूह दे बारे बहुत शायद नहीं बहुत लोग जानते कि नूह कौन सीगा, जिन्होंने कभी बाइबल पढ़ी नहीं, जिन्होंने कभी बाइबल सुनी नहीं, उन्होंने की पता लगेगा कि नूह कौन सीगा। पर जो पवित्र बाइबल दे विच एक दस्या गया सानू, जो पुराने सदी दे विच पुराने समय दे विच नूह नबी एक पैगंबर होया, जो परमेश्वर का दास सी, जो दा वो परमेश्वर की सेवा करने वाला सीगा, जिहदे टाइम दे विच सब कुछ होया। तो जो बाइबल दस रही है कि जिस तरह नूह के दिनों के होया सी, उस तरह ही मनुख के पुत्र के दिनों के होएगा, यानी कि यसु मसीह के आउण के समय। प्रभु यसु का टाइम बहुत करीब आ, और प्रभु यसु मसीह जी बहुत जल्द इस दुनिया दे विच वापस आ रहे। मेरे अजीज भैनों ते भराओ, अज तुहानू एक खुशखबरी सुनाई जा रही है, और एक खुशखबरी सिर्फ थोड़े जे लोगों लई नहीं बल्कि दुनिया भर के कोनर कोनर विच जा रही है, तरह तरह के ना किसी न तरह, ताकि लोग इस खुशखबरी सुन लें, और उन्ना चिर अंत नहीं आएगा। नहीं तो लोग कहणगे असीं तां कदी सुणिए नहीं, सानू तो पता नहीं चलिया। जो इसी 14वीं आयत में लिखा हुआ, आप गौर दे नाल सुनिए, इसी चैप्टर की 14वीं आयत पढ़िए प्लीज। पवित्र बाइबल में इस तरह लिखा है, अते राज दी इस खुशखबरी का प्रचार सारी दुनिया में किया जाएगा, जो सब कौम उत्ते साखी होवे तद अंत आएगा। हाली लोहिया, यानी कि हर एक नु मौका दिता जाएगा। इहदा मतलब है कि राज दी खुशखबरी, परमेश्वर दे राज दी खुशखबरी का प्रचार सारी दुनिया दे विच कीता जाएगा, तद अंत आएगा, जिन्ना चे लोग सुन नहीं लेंदे, तां के उस दिन कोई ये ना कवे कि मैनू दस्या नहीं, मैं तो सुनिया नहीं, मैनू तो किसे पता ही नहीं चलिया। पर मेरे अजीज भैनों ते भराओ, अज ये खुशखबरी तुहाडे तक पहुँच रही है कि किस तरह तुसी पाप दे विचों, गुनाह दे विचों, उस बदी दे विचों निकलना आ, क्योंकि बदी लैके, पाप लैके, नफरत लैके, लड़ाइया की आत्मा लैके तुसी स्वर्ग पहुँच नहीं सकते। प्रभु यसु मसीह जल्दी आ रहे, सानू तैयारी की जरूरत आ, और बाइबल दस रही क्यों तैयारी कि लिखा एक दसिया गया, जिदा नूह के दिनों की होया, परमेश्वर ने उन्होंने मौका दिता। नूह के दिन इन्ने बुरे सके, तुहानू पढ़ के सुनाया जाएगा कि वह नूह के दिन किहो जिहे सके। परमेश्वर ने मौका दिता, कितना टाइम दिता उन्होंने, 120 साल, 120 साल बहुत लंबा टाइम हुंदा है, गिन के देखो। और 120 साल तक नूह रात दिन प्रीच करता रहा, कदी किते जा, कदी किते जा, लोगों नू दसदा रहा तौबा करो, माफी मंगो अपने पापा दी, अपनी गलतियां दी, ऐसा ना होवे कि तुसी एक दिन नाश हो जाओ। तो आइए सुनिए बाइबल की कह रही है, ध्यान दे नाल सुनना जो इस वक्त गुरमुख जी पढ़न जा रहे। उत्पत्ति किताब उदा 6:5-13 तक आप पढ़ांगे। इस तरह लिखा है पवित्र बाइबल दे विच, फिर यहोवा ने वेख्या कि आदमी की बुरियाई धरती उत्ते बढ़ गई, और उसके मन के विचारां दी हर एक भावना सारा दिन बुरी ही रहिंदी है, तां यहोवा नू आदमी दे धरती उत्ते बनाउण तों रंज होया अते ओ मन विच दुखी होया। तद यहोवा ने आख्या, मैं आदमी नू जिहनू मैं उत्पत्त कीता हाँ, आदमी नू डंगर नू घिसरन वाले नू और आकाश दे पंछी नू भी जमीन दे उत्तों मिटा देंगा, क्यों जो मैनू उन्हां दे बनाउण तों रंज होया है, पर नूह उत्ते यहोवा दी किरपा दी निगाह होई है।
आमेन। देखिएगा नौ दे ऊपर यहोवा दी कृपा दी नजर होई, क्यों? क्योंकि नू और उदा परिवार जेड़ा सिगा परमेश्वर तो डरदा सी, पाप तो दूर रहिंदा सी, पाप नहीं सी करदे, क्योंकि वो जानदे सी पाप दी सजा मौत आ, जो पवित्र बाइबल च लिखिया पाप दी सजा मौत आ, वो जिन्ने पाप करदे सब परमेश्वर तो दूर आ। इहदे साथ साथ अपनी जिंदगी नू पर के देखिए, जिन्ने भी सुन रहे कि तुहाडे जीवन च कोई पाप आ, कि तुहाडे जीवन च कोई गलती हैगी आ, कोई एहो जिहा पाप हैगा जिहदे वजह दे नाल तुसी परमेश्वर तो दूर हो। बहुत सारियां बीमारियां धरती ते क्यों फैलदियां जा रही, पहलों भी सीगियां लेकिन हुण ज़्यादा तो ज़्यादा फैलदियां जा रही, कहदे लई? क्योंकि गुनाह धरती ते वध गया है। अपने अंदर झाती मारो मेरे भैनों ते भराओ, मेरे नौजवान बेटियो बेटे जिन्ने भी सुन रहे हो, सर्च योर हार्ट्स, अपने जीवन नूं देखो, अगर पाप अंदर आ तो फिर की होएगा? परमेश्वर देखदा। हुणे ही आपां सुणिया वचन दे विचों की लिखिया कि परमेश्वर ने आकाश तो आसमान तो जमीन दे उपर नज़र मारी। जिथे तुसी अज बैठे हैं परमेश्वर आसमान तो तुहानू देख रहा, तुहाडे परिवार नूं देख रहा, जवान बेटियां और बेटियां नूं देख रहा, घरां दी हालत देख रहा। और लिखिया गया कि सारा दिन 24 घंटे उन्हां दी सोच निकम्मी सी, उन्हां दा देखना बुरा सी, उन्हां दा सुनना बुरा सीगा, उन्हां दा समझना बुरा सी, इसलिए लोग प्रभ तो दूर भजे हुए सी। शायद अपने तरीके ना मानते होणगे, उन्हां दे अपने अपने रस्ते बनाए होणगे। घर तरीके ना लोकी कहिंदे नहीं जो मैं तो सही जा रहा, पर मेरे अजीजों इंसान दा बनाया हुआ रस्ता, इंसान दे इरादे, इंसान दा ख्याल वो गलत हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जिन्हें जमीन और आसमान नू पैदा किया, इंसान नू बनाया, वो कभी गलत नहीं हो सकता, राह उदा ही सच्चा है। इसलिए जो उन्हें धरती ते नज़र मारी कि हर एक ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया, और परमेश्वर ने नून आख्या जा इन्हां लोकां नू प्रचार कर, इन्हां नू दस कि वह तौबा करन, जे अगर उन्होंने तौबा ना की तो फिर एक जल परलो आएगी, एक जल परलो ऐसी आएगी जिन्हों नूह नदी भी कहिंदे आ, वो एड्डी वड्डा जल परलो आएगी सारे नू रोड़ के लै जाएगी। एड्डा वड्डा तूफान कदी नहीं आया दुनिया दे विच, ये नूह दा टाइम सीगा जदों एड्डा वड्डा तूफान आया और हड़द आया। बाइबल दस ही आ कि जमीन दे 100 फुट निकले, जो पानी जमीन दे अंदर सेगा थोड़ा थोड़ा अज भी निकलता है कई थावां तो, लेकिन उस वक्त 100 फुट गए, हर जगह चो पानी निकल रहा है बाहर, फिर आकाश दी खिड़कियां खुल गई, उत्तों भी पानी डिग रहा सेगा, लोगों ने अजे भी लोगों को मौका सी बचो तौबा करो तौबा करो। वो 40 दिन 40 रात तक बारिश हुई, पर लोगों के मन इन्ने भैड़े इन्ने सखत सके, और लोग तौबा वाल मुड़े ही नहीं, तौबा वाल मुड़े ही नहीं, कहिंदे नहीं कुछ नहीं होना, आ गई कोई नहीं हट जानी है, कोई कहिंदा अज हट जू भाड़ के हट जू, इस तरह करते करते पानी इन्ना चढ़ गया। मेरे अजीजो बाइबल दसदी आ, जो तुसी पूरी बाइबल दे हिस्से नू पढ़ोगे इस नू, उते लिखिया कि 15 हाथ हर उच्चे पहाड़ तो 15 हाथ पानी उच्चा सी। हुण देखो 15 हाथ किन्नी गिनती हुंदी आ, और किन्ने 40 दिन तक पानी धरती दे उत्ते खड़ा रहा, जिन्ने सिगे सब दे सब मर गए, नाश हो गए, डुब के खत्म हो गए, कादे लई? क्योंकि गुनाह दी वजह दे नाल, पाप दी वजह दे नाल। मेरे अजीजो मैं तुहानू ये दसना चाहुंदा अज कि तौबा करो मुड़ो। अज नशियां दे विच लोक डुबदे जा रहे हैं, अज ड्रग्स में लोग डुबते जा रहे, खत्म होंदे जा रही जिंदगियां, घर के घर बर्बाद होंदे जा रहे, डिवोर्स होंदे जा रहे, अज सारे बद चलनी इन्नी ज्यादा फैल गई है जिदा नूह के दिनों के फैली, और परमेश्वर ने जो धरती से नज़र मार के देखा कि हर एक का चाल चलन बिगड़िया पिया है। हालेलुया, मेरे अजीजो, मेरा महान जीवदा परमेश्वर सब कुछ वेखदा है, उहदे कोलों तुसी कुछ नहीं लुको सकते। इंसान का जीवन बहुत कीमती आ, इंसान का जीवन एक हीरे नालों भी ज़्यादा कीमती कीमत रखता है, क्योंकि परमेश्वर इनू प्यार करता, ये जीवन परमेश्वर ने दिता, परमेश्वर ने शख्स नू इंसान नू अपनी सूरत उत्ते बनाया, लेकिन गुनाह की वजह के नाल इहदी सूरत बिगड़ गई और नष्ट हो गया गुनाह दे विच। इसलिए बाइबल की दसदी है कि गुनाह की सज़ा मौत आ,
पर यसु मसीह दे विच हमेशा दी जिंदगी आ। ये पवित्र बाइबल दस रही कि गुनाह दी सजा मौत आ, लेकिन यसु मसीह दे विच हमेशा दी जिंदगी आ। मेरे भैनों ते भराओ, जिंदगी पाओ इस तो पहलो कि यसु आ जाए, और फिर तुसी सब दे सब पिछे ही रह जाओ ते नाश हो जाओ। प्रभु यसु मसीह आने वाला है। प्रभु यसु ने जड़ी उदाहरण दी गल की कि जिदा नूह के दिनों दे विच होया सी, इस तरह मनुख के दिन विच भी होएगा। अगली आज सुनिए ध्यान दे नाल। कूच की किताब उहदा 6 चैप्टर 5 दी 13 विच इस तरह लिखा है, सो परमेश्वर ने नूह नूं आख्या कि सर्वत शरीरां दा अंतकाल मेरे सामने इसलिए आ गया है कि धरती उन्हां दे कारण जुल्म नाल भर गई है, वेख मैं उन्हां नूं धरती दे संग नाश करांगा। हालेलुया। धरती जुल्म दे नाल भर गई आ। आमीन। ते मैं धरती दे नाल ही इन्हां सारिआं नूं नाश कर देंगा। इसी तरह होया नूह दे टाइम दे विच। ते मेरे अजीजों जिहड़ा अगे टाइम आ रहा, तुसी देख के देखो, टीवी ऑन करके देखो, न्यूज़ां सुनो, लोकां दीआं गल्लां सुन के देखो, जिहड़े दुनिया दी खबर रखदे आ कित्थे चंगाई आ, कित्थे भला हो रहा, कित्थे सब कोशिश तो कर रहे, लोग कोशिश करन दी ट्राई करदे, लेकिन साथ साथ गुनाह भी बढ़ रहा, पाप भी बढ़ रहा। परमेश्वर पाप की गल करता है, परमेश्वर पाप चो तुहानू कढ़ना चाहुंदा आ, नफरत विचों कढ़ना चाहुंदा, बुरियां संगतां चों कढ़ना चाहुंदा, ये नशे ड्रग्स विचों तुहाडा जीवन बदलना चाहुंदा, ताकि तुसी नूह दे उस परिवार वर्गे बन जाओ। नूह नूं क्या किश्ती बना, उहदे बेटियां उहदे बेटे जिहड़े सी उह किश्ती बनाउंदे रहे, उहदियां नूहां नाल लगियां रहियां, नूह दी वाइफ भी नाल लगी रही, उहनां ने किश्ती तैयार कीती ते विच जोड़ा जोड़ा बच गया, जानवरां दा, बंदियां दा नहीं, बंदे तो सिर्फ उहदा टब्बर ही सीगे, क्योंकि कोई जिनस नाश ना हो जाए। मेरे अजीजो परमेशुर के प्लैन बहुत वड्डे आ। अज तुहानूं मौका दे रहा कि तुसी तौबा करो, क्योंकि इस तो पहलो कि यसु मसीह आ जाए उहदा आउणा बहुत लग गया। अज दुनिया भर के विच आ जो कुछ हो रहा, देखो अज की हो रहा, दुनिया भर च लड़ाइया लगियां पईआं, लोग नफरत करदे आ, अज एक दूए तो गां नंगर की ट्राई कर रहे, सब कुछ खत्म हुंदा जा रहा। कोई प्रभु का वचन सुन नहीं रहा, परमेश्वर का वचन नहीं सुन रहा, बाइबल प्रचार की जा रही है, बाइबल कदे इन प्रचार नू कोई रोक नहीं सकता दुनिया चे, ये प्रचार होना ही आ, क्योंकि सब नू मौका दिता जा रहा, भावें लोग भावें किदा भी कह नहीं जी इत्थे नहीं प्रचार कर सकते, कोई कहिंदा इत्थे नहीं कर सकते, कोई कहिंदा इत्थे नहीं कर सकते, नहीं ये मेरी तुहाडी चॉइस नहीं, ये परमेश्वर की मर्जी आ। जिन्हें तुहानू बनाया हुआ, जेड़ा तुहाडा इंतजार कर रहा, जेड़ा तुहानू मौका दे रहा कि तुसी इस बाणी नू सुनो, जिदा नूह दे टाइम दे विच उन्हां नू मौका दिता गया, क्योंकि उन्हें आसमान तो वेख्या। अज भी परमेश्वर आसमान तो देख रहा कि दुनिया दे विच की हो रहा, देखो इंडिया दे विच की होया, किन्ना किन्ना तूफान आया, किन्ना हड़कहड़ आया, किन्ने लोगों के घर टुट गए, ब्रिज टुट गए, और सब कुछ नष्ट हो गया बहुत थावां के उपर। ये तो थोड़ा जहा इलाका सी, लेकिन नूह के टाइम की गल हो रही, उदो की होया, उतो तो एडा वड्डा सीगा, सारी दुनिया के विच सी पानी, कोई धरती का कोनर खाली नहीं सी, इसलिए सब कुछ रुड़ के नाश हो गया गुनाह। अज ये चेतावनी आ सानू, ये जो आ रहा जो सानू खबरदार किया जा रहा कि तौबा करो, मुड़ो उस परमेश्वर वाल, हलीम होवो, प्रभु यसु उत्ते विश्वास करो ते हमेशा दी जिंदगी पाओ। हालेलुया। अगे लुया आज सुनिए कूच की किताब उहदा 32 चैप्टर 33 आयत इस तरह कहिंदी है, तां यहोवा ने मूसा नूं आख्या, जिस मेरा पाप किया मैं उसनू अपनी पोथी विचों मिटा सुटांगा। देखो की लिखा, जिन्हें मेरा पाप किया मैं उन्हों अपनी पोथी दे विचों, अपने धर्म ग्रंथ नू कहने, ये पवित्र बाणी दे विचों जो एक स्वर्ग विच किताब लिखी गई है, उस विचों भी परमेश्वर कहिंदा, जिन्हें तर तुहानू देखदा ना इत्थे तुहाडा उत्ते भी हिसाब हो रहा, इसलिए कहिंदा कि जिन्हें मेरा पाप किया मैं उन्हों अपनी उस पोथी दे विचों भी मिटा देंगा, इस धरती तो भी मिटा देंगा। की होएगा फिर, किधर जाओगे, कौन बचाने वाला है, कौन छुड़ाने वाला, तुहानू कोई है नहीं जो तुहानू गुनाह दे विचों
बचा सके और शैतान की कैद विचो बाहर कर सके। इको ही जो इस दुनिया दे विच आया और दुनिया का मुक्तिदाता बनिया और वो प्रभु यीशु मसीह आ। हालेलुया। मेरे अजीजों तौबा करिए, मुड़िए, अपने गुनाह तो निकलिए। परमेश्वर नूं तुहाडे तो नहीं, तुहाडे कीते होए गुनाह तो नफरत आ, उस पाप तो नफरत आ जिहड़ा तुहानूं नरक दी वल ले जा रहा। हालेलुया। अगली एक होर आयत नूं सुणिए ध्यान दे नाल, गौर करिए बाइबल प्रभु दा वचन की कह रहा। बिफ्ता सार उहदी 29 चैप्टर ते 20 आयत इस तरह आखदी है, जहोवा उसनूं माफ़ करना ना चाहेगा, जहोवा उसनू माफ़ करना ना चाहेगा, पर जहोवा दा क्रोध अते उसकी अणख उस मनुख उत्ते सुलगेगी अते सारा सराप जिहड़ा इस पोथी विच लिखिया है उस उत्ते आ पवेगा, अते जहोवा उसका नाम आकाश दे हेठों मिटा देवेगा। आमेन। आसमान दे थल्यों इस धरती दे उपर उहदा नाम तक खत्म कर देगा। असी अपने नाम बनाउने आ कि मेरा नाँ रह जाए धरती तक, मेरा नाँ रह जाए, मेरे पुत हो गए, मेरा नाँ मेरी पीढ़ी चलूगी। पर मेरे अजीजों परमेश्वर की दया, उदी दया देखो, उन्हां दे उत्ते ही वह दया करता जिन्हां दे उत्ते दयावान आ। पर जे साडे अंदर पाप आ तो फिर साडा वह नाँ भी खत्म कर देगा, साडा नाँ धरती तो मिटा भी देगा। ये वचन दसदा आ, ये मेरे वालों नहीं, ये जो गुरमुख साहब जी पढ़ रहे इन्हां वालों नहीं, ये पवित्र बाइबल दीआं गल्लां आ। क्योंकि परमेश्वर नूं तुहाडे तो नहीं, तुहाडे पाप तो किणिया, इसलिए तुहानूं मौका दिता जा रहा कि आप तौबा करो, आप अपने पापा चो निकलो। इसलिए बाइबल दे विच जदों भी पर दुनिया भर के प्रचार की गल हो रही है, बाइबल दे विच धर्मां परिवर्तनां की गल नहीं हो रही कि इस मजहब चो निकल के उस मजहब च जाना, नहीं। परमेश्वर गुनाह की गल करदा है, परमेश्वर पाप की गल कर रहा, क्योंकि पाप तुहानू नरक की अग विच लै जाएगा और नरक की अग विचों कोई किसी नू बचा नहीं पाएगा, कोई भी। और जिहड़ी आत्मा नरक की अग दे विच एक बारी सुट्टी गई उत्थों कदी भी वापस नहीं निकल सकदी। आमेन। कदी भी वापस नहीं निकलती, भावें तुसीं किन्ना भी जोर लावो, उत्थे उत्थे तां जोर लगना ही नहीं, उत्थे तां चिलाउंदे लोकी दुहाइयां दिंदे आ, तड़फदे अग दे विच, उत्थे मिन्नतां करदे आ, हे पिता परमेश्वर साडे ते दया कर, असीं गलती कीती, सानूं मौका मिलिया पर असीं तौबा नहीं कीती, पर अज तुहानूं मौका मिलिया। मेरे अजीजो अज तौबा करन दा वक्त आ गया। आइए अगे सुणिए रोमियां दा खत, उहदा एक चैप्टर 24-32 इस तरह आखदी है, इस कारण परमेश्वर ने उहनां नूं उहनां दे मनां दे बुरे विशियां विच गंद मंद दे वस कर दित्ता, भई उहनां दे शरीर आपो विच ही बेपत हो जाण। उहनां ने परमेश्वर दी सच्चाई नूं झूठ नाल बटा दित्ता अते करतार जिहड़ा जुगो जुग धन आमीन नूं छड के सृष्टि दी पूजा अते उपासना कीती। इसे कारण परमेश्वर ने उन्होंने नीच वासना दे वास कर दिता, क्यों जो उन्हां दियां नारां ने अपने सुभावक काम नूं उहदे नाल बटा दिता जिहड़ा सुभाव दे विरुद्ध है। इसे तरह नर भी नारियां नाल सुभावक काम छड के आपो विच ही अपनी कामना विच सड़ गए, नरां ने नरां नाल मुकाबलक दे काम किते अते अपने आप विच अपनी भुल दे योग फल भोगिया। जिमें परमेश्वर नूं अपनी पछाण विच रखना उन्हां नूं चंगा ना लगा, उमें परमेश्वर ने उन्हां नूं मंदी बुद्ध दे वस कर दिता, भई निखिध काम करन ਉਹ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਧਾਰਮ ਬਦੀ ਲੋਭ ਅਤੇ ਬੁਰਿਆਈ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਖਾਰ ਘਾਤ ਝਗੜੇ ਛਲ ਅਤੇ ਬਦਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਲਾਵੇ ਲੁੱਤਰੇ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੈਰੀ ਧੱਕੇ ਖੋਰੇ ਹੰਕਾਰੀ ਸ਼ੇਖੀਬਾਜ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣਾਗਿਆਕਾਰ ਨਿਰਬੁੱਧ ਨੇਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਰਮੋਹ ਅਤੇ ਨਿਰਦਈ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਾਣ ਕੇ ਭਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ, ਨਿਰੇ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਚੱਲ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜੋਏ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, ਇੰਜੋਏ। ਕਈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਇੰਜੋਇੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਆਈ ਸੈਡ ਯੂ ਨਾਟ ਇੰਜੋਇੰਗ ਯੋਰ ਸੈਲਫ, ਯੂ ਡਿਸਟਰੋਇੰਗ ਯੋਰ ਸੈਲਫ। ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਣਅਗਿਆਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ,
बहुत लोग नहीं कर रहे और बहुत बच्चे अच्छे बच्चे भी हैं। पर मेरे अजीजों अज वक्त क्योंकि दुनिया का हालात दुनिया का समा जेड़ा ये सब कुछ बिगड़ता जा रहा सुधरता नहीं जा रहा बिगड़ता जा रहा जिनी टेक्नोलॉजी वधदी जा रही है उन्नी मूर्खता भी वधदी जा रही है जिन्ना जिन्ना जिनी एजुकेशन धरती उपर वधदी जा रही है उन्ना ही ज़्यादा गुनाह भी जोर दे नाल वधदा जा रहा। पर अज जो प्रभु का वचन सानू सिखा रहा जो परमेश्वर का वचन सानू दस रहा कि साढ़े को मौका आ कि असी तौबा करिए परमेश्वर वाल मुड़िए। लिखा कि परमेश्वर ने छड़ दिता उन्होंने जाओ फिर कर लो पर एक दिन तुसी मेरे अगे खड़े होवोगे और जिदन तुसी मेरे अगे खड़े होवोगे उदन तुहाडा लेखा तुहाडा हिसाब लिया जाएगा तुहाडे एक एक काम का हिसाब लिया जाएगा एक एक गुनाह का हिसाब होएगा। मेरे अजीजों कोई पाप एहो जिहा नहीं जिहड़ा इंसान छुप के करदा आ। असी एक दूए तो बेशक बेशुमार गुनाह गलतियां लुको सकते हैं पर साडे उस परमेश्वर तो कुछ भी असीं लुको नहीं सकते उहदी अख सब कुछ वेखदी है। आमीन। नूह दे दिनां च लिखिया कि नहीं उहदी पंछे बाप दी पंजवीं आयत उहनें धरती आकाश तो नज़र मारी कि हर एक ने अपने रस्ते बिगाड़े हुए ते हर एक दी सोचण दी भावना सारा दिन बुरी रहिंदी है। आमीन। इसलिए परमेश्वर दे कोल तुसीं कुछ नहीं लुको सकते। परमेश्वर अज तुहानूं मौका दे रहा कि तुसी तौबा करो और उहदे वल नूं मुड़ो। परमेश्वर तुहानूं बख्शना चाहुंदा परमेश्वर तुहानूं नवा जीवन देना चाहुंदा। इसलिए पवित्र बाइबल दे विच लिखिया गया जिहदा पाप एक मनुख तो संसार विच आया और वह पाप सभना दे विच फैल गया क्योंकि पाप दे नाल मौत आई मौत सभना च फैल गई। इस तरह इको ही मनुख दे पाप दे आउण दे नाल एक दूजा मनुख प्रभु यसु मसीह जिहड़ा जीवन लैके आया पापां दी माफ़ी लैके आया कि ताकि तुसी उहदे ते विश्वास करके सदा दे जीवन पाओ। इसलिए बाइबल की दसदी है कि परमेश्वर ने दुनिया नाल इन्ना प्यार किया ताकि उन्हें अपना इकलौता पुत्र प्रभु यसु मसीह भेज दिता ताकि कोई नाश ना होवे। कित्थे नाश हुंदा बंदा नरक दी अग विच और नरक की अग में जिहड़ी आत्मा एक बार सुट्टी जाती है उतों कदी वापस बाहर नहीं निकलती। अज मौका आ कि तुसी नरक नहीं परमेश्वर तुहानूं स्वर्ग देना चाहुंदा आ तुहानूं इस नरक की अग तो बचाना चाहुंदा आ तुहानूं गुनाहां विचों कढ़ना चाहुंदा। इसलिए प्रभु यसु मसीह बहुत जल्द आ रहा जिन्हें लोग तैयार होणगे उहदे नाल उठाए जाणगे। आमीन। जिन्हां ने तौबा कीती होएगी जिन्हां दे पाप माफ़ किए हुए होणगे उन्हां दी आत्मा धोतियां गई होणगियां क्योंकि प्रभु यसु मसीह ने अपना पवित्र लहू इसलिए बहाया सारे लोगों लई ताकि लोग शुद्ध हो जाण। बाइबल दसदी आ कि यसु दा लहू सानू सारे पापा तो पवित्र करदा शुद्ध करदा। हालेलुया। प्रभु दा टाइम मेरा आ रहा मेरे अजीजो वक्त बहुत घट गया है। प्रभु किसी वक्त भी आ सकदा माफ़ी मंगिए अपने पापा तो छुटकारा।